डायरेक्ट सेलर के जो कंज्यूमर्स हैं, जिसको आप लोग मोस्टली आपके लैंग्वेज में उनको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हो, वो सारे लोग कंज्यूमर्स हैं पहले. सो उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. उनके पास उतना ही राइट्स है जितना नॉर्मल कंज्यूमर के पास है, जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर से खरीद रहे हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खरीद रहे हैं. यू नो, सारे कंज्यूमर सेम है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत क्लियर डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी कीमत देते हैं और वो वस्तु और सेवा को खरीदते हैं तो वो कंज्यूमर के घोषित हो जाते हैं. लेकिन इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि कर रहे हो तो यू आर स्टिल अ कंज्यूमर. बट यदि आप व्यापक केवल व्यापार के रूप से करने का कोशिश कर रहे हो एंड यू आर बाइंग इट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर और अ मैन्युफैक्चरर एंड देन रीसेलिंग इट टू अ रिटेलर और टू अ कंज्यूमर, तब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं आते. तो इसमें मतलब डायरेक्ट सेलर जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे नजरिया से वो सारे वही कंज्यूमर हैं जिनके पास वो सारे छह राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है. देखिए, हर समय और इसी पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं मैक्सिमम, कि कैसे हमारे देश में हम लोग एक बहुत सही ढंग का एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी लाए जो आज नहीं है. और इसी के चलते ये नया कानून जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग ला रहे हैं, इन्हों जो लोकसभा से पारित हो गया है, उसमें हम लोग इसको काफ़ी अहम रोल दे रहे हैं. यू सी, और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, वेदर यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर रिटेलर, कोई भी व्यक्ति यदि उनके नज़रिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो अनसेफ है, जो सबस्टैंडर्ड है, जिसका गुणवत्ता सही नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर अनिवार्य एक कानून होना चाहिए कि वो या तो उनको वापस करें या एक्सचेंज कर लें सही प्रोडक्ट के साथ, या पूरा पैसे वापस करें. यू सी, तो हर एक व्यक्ति जो भी व्यापार में है, जो मैन्युफैक्चर करता है या सेवा प्रदान कर रहा है, वो एक स्टैंडर्ड में आना जरूरी है.